जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ में चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। जाल डेटा फराहम करने पर सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी नर्सेस को वापस भेज दिया है। इसराइल के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 92 नर्सेस को वापस से भेज दिया है अपने मुल्क में और सऊदी कौंसिल ने पाकिस्तान से नर्सों पर मुस्तकिल पाबंदी लगाने का इंदिया भी दे दिया है। दोस्तों, एक तरफ तो हम सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात का दावा करते हैं और सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान की जो है वो मुश्किल वक्त में मदद करता है, लेकिन 92 पाकिस्तानी जो नर्सेज हैं उनके ख्वाब चकना चूर हो गए जब उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया। तकरीबन 350 से ज्यादा नर्सेस को शिफ्ट किया गया था सऊदी अरेबिया के, वहां पर नीड थी तो वहां पर 92 को वापस भेज दिया गया है इस पर्पज से कि वहां पर जाली डिग्रियां बनाकर भेजा गया। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? लोग डंकी मार के चले जाते हैं, कुछ लोग वीजा लेकर ऐसी हरकतें करते हैं तो उन्हें भेजता कौन है? माफी है ना कोई, ऐसे थोड़ी चले जाते हैं लोग। ये तरीकाकार तो गलत है कि वहां कानून की पासदारी ना करना, इसका तो खैर अपने मुल्क की बदनामी है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसी खबर कोई गेट आउट इंडियंस के लिए इंडिया के लिए नहीं लगी तो उनमें हम में क्या फर्क आ जाता है, एजुकेशन का, लिटरेसी रेट का, या वो ज्यादा गैरतमंद है हमसे, क्या फर्क आ जाता है? केम पार्ट ऑफ अ स्कैम जिसमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन उनके क्रेडेंशियल्स की हुई थी। अब सऊदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि ये जो फोर्जरी की गई है ड्यूरिंग जो रूटीन उनके चेक्स थे उसमें, उस पर जब उन्होंने ये देखा कि ये हुआ है, उन्होंने सब नर्सेस को फारिग कर दिया। पाकिस्तान के लिए एक तो शर्मिंदगी। सर, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्क की, अगर इंडिया की बात करूं तो वहां से कोई इस तरह के बंदे, इस तरह की खबर ही नहीं आती कि इंडियन जाकर वहां पर इस तरह का कोई काम करते हो। वजह हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज हर जगह। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है, 350 पाकिस्तानी नर्सेज सऊदी अरेबिया गई थी और उनमें से 92 नर्सेस को बाहर फेंक दिया गया भाई सऊदी अरेबिया से, क्योंकि भाई उनकी डिग्री जो थी वो जाली थी, उनके डॉक्यूमेंट्स जाली थे। इस वजह से सऊदी अरेबिया ने जो 92 पाकिस्तानी नर्सेस थी उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया। तो दोस्तों, इस न्यूज़ से यार ये पता लग रहा है कि यार पाकिस्तान के लोग कैसे से होते हैं, उनको भाई मतलब दूसरे देशों में जाते हैं, फ्रॉड करके जाते हैं, स्कैम करके जाते हैं, उन्हें भाई अपने देश की इज्जत की परवाह नहीं होती, उन्होंने अपने देश की इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी भाई ऐसे काम करके। हमने पिछले कुछ दिनों में भी न्यूज़ सुनी थी कि भाई पाकिस्तानी बैगर्स पकड़े, पाकिस्तानी बैगर्स दूसरी कंट्रीज़ में पकड़े जाते हैं गलत काम करते हुए। तो भाई हर बार मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तानी ही क्यों आगे आ जाते हैं ऐसे सिचुएशंस में, कोई दूसरे मुल्क की भाई बात नहीं करता। जहाँ देखो गेट आउट पाकिस्तानी ट्रेंड, भाई पाकिस्तान में कमी है तभी तो गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड चलता है, वहाँ से लोगों को भगाया जाता है। भाई अगर जो भी कंट्री का बंदा दूसरे देश में जाके गलत काम करेगा उसकी बदनामी तो होनी फिक्स है भाई, उसकी कंट्री की भी बदनामी साथ साथ होती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही मतलब वायात किस्म की हरकत है जो पाकिस्तानी नर्सेजों ने करी है। अब सऊदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि ये जो फोर्जरी की गई है ड्यूरिंग जो रूटीन उनके चेक्स थे उसमें, उस पर जब उन्होंने ये देखा कि ये हुआ है, उन्होंने सब नर्सेस को फारिग कर दिया। पाकिस्तान के लिए एक तो शर्मिंदगी, दूसरा उन नर्सेस का कारोबार बंद, उनके ऊपर हमेशा के लिए धब्बा लग गया, ब्लैक लिस्ट फॉर सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी इज्जत खाक में मिला दी। अब हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक्शन ले रही है, ठीक है जी। ये रावलपिंडी के एक रिक्रूटर थे जिनके पास लाइसेंस था, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब जिसे वो कहते हैं ना कि होता क्या है, ये फ्रॉड कैसे करते हैं, जो नर्सेज थीं वो कसूरवार नहीं थीं, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, लेकिन जो स्कैम था वो ये था कि जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट थी अगर एक दो मंगवा ली तो वो मल्टीपल नर्सेस की वही वेरिफिकेशन रिपोर्ट लगा दी। अब तकरीबन 350 नर्सेस जो हैं उनकी सऊदी अरेबिया में जॉब हो गई, 92 जो थी उनके लिए मसले पैदा हो गए। अब हमारे लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए, एक तो नर्सेस को हमने उनकी जिंदगियां भी तबाह की, दूसरा हमने अपनी रेपुटेशन को भी तबाह किया और आइंदा के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए। मतलब ये ऐसा शॉर्टकट का नशा है कि जिसने, एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे वो भाई हैं, हमारी वो हमेशा से मदद करते हैं,
हुकूमत हमारी जो है वो भाग भाग के उनसे ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रही है, अवाम नीचे जो है वो फ्रॉड पे फ्रॉड लगाई जा रही है, अवाम नीचे से फ्रॉड लगाई जा रही है। हम जो लोग भेजते हैं उनकी डिग्रियां कंप्लीट हैं, लेकिन आप उनको इस तरीके से उनके साथ हमारे जो रिक्रूटर्स हैं धांधली करते हैं कि उन बेचारों लोगों की जिंदगियां भी तबाह। शुक्र करें उन्हें फॉर्जरी के इल्जाम में वहां पे जेलों में नहीं नर्सेस को भेज दिया गया, उनको जेलों में नहीं भेज दिया गया। क्या मिलना था भैया आपको इन चीजों से? आप क्या समझते क्या है अपने आप को? आप अपने आप को समझते क्या है कि ठीक है जो मर्जी आप कर लेंगे, जैसे मर्जी आप कर लेंगे। और देन आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए कितना काम कर रही है यार। अब बांग्लादेश वहां स्पेस बना लेगा, इंडिया वहां स्पेस बना लेगा, और मुझे इस चीज का पता है, मैं बहुत सारे लोगों को मिला मिडिल ईस्ट में, उन्होंने बताया कि जो इंडियंस हैं वो हमसे ज्यादा अच्छी जगहों में जॉब कर रहे हैं, उनको ज्यादा अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, बिकॉज वो ज्यादा पढ़ के आते हैं, वो ज्यादा टाइम देते हैं, वो ज्यादा लॉयल हैं, वो ज्यादा कमिटेड हैं, वो किसी पॉलिटिकल चीज में नहीं पढ़ते, वो वहां पे किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी में नहीं पढ़ते जिससे वहां के जो रूल्स हैं कानून जो हैं वो तोड़े। के अभी हमारे सऊदी अरेबिया ने कुछ नर्सेस मंगवाई थी पाकिस्तान से, 300 से ज्यादा नर्सेस को बुलाया था वहां पर हमारे यहाँ लोगों ने, जो जिस एजेंट ने भेजी वहां पर, जिस एजेंट ने उन्होंने भेजा वहां, उन्होंने क्या किया, जाली डिग्रीज बनाकर, जाली पेपर्स बनाकर, तकरीबन 92 को जाली पेपर बनाकर भेज दिया। तो अभी सऊदी अरेबिया ने चेक किया कि भाई इनका जो जाली है, तो सोचिए कि वो जिन लोगों को भेजा उनकी भी लाइफ खराब, और जो रिलेशन है जो कि दुनिया के साथ हम बेहतर करना चाह रहे हैं, हमारे लोग ही तुले में कि भाई रिलेशन सबके साथ खराब करें, तो क्या इस तरह से कोई मुल्क की इकोनॉमी चल सकती है? क्या हम दुनिया के साथ दो नंबरी करके कहां तक जा सकते हैं? सर बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो हमारे पाकिस्तानी है वो हमेशा से इस तरह के काम कर रहे हैं कि दूसरों के सामने, दूसरे ममालिक के सामने हमारी बदनामी हो, दो नंबरियां करते हैं। और ये इस तरह के अगर इस तरह कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये गलत बात है, क्योंकि ऑब्वियसली सऊदीया से हम और बाकी ममालिक से भी जैसा कि अपने तल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और बाकी जो मुल्की हालात हैं वो भी बेहतर हों इससे, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी है सो कॉल्ड शुरू से ही मेरे ख्याल से इस तरह की दो नंबरियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के ना हालात बदल रहे हैं और ना इनकी तकदीरें बदल रही हैं। सर दुनिया पूरी की अगर मैं बात करूं तो कोई भी हमें वीजा देने के तैयार नहीं है। बिल्कुल। अगर बात करूं तो दूसरी तरफ अगर इंडियंस की थोड़ी सी यहाँ पर बात करें, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ ही आजाद हुए थे, उनके बारे में क्या जानते हैं? क्या उनके साथ भी यही होता होगा? क्या उनके लोग भी बाहर जाकर दो नंबरियां करते हैं या जो काम उनको मिले वही करते हैं वो? नहीं नहीं, इंडियंस तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। और नर्सेस बड़े एम्पावर्ड है वहां पे, ये पाकिस्तानी नर्सेस नहीं है हॉस्पिटल जो मैंने देखा है, मतलब उनको कम पे किया जाता है, डॉक्टर जो है वो एक अपर क्लास चीज समझी जाती है, लेकिन बाहर जब आप जाते हैं मिडल ईस्ट के अंदर तो उन उधर वहां पे इस तरह की उनको नहीं चीजें देखनी पड़ती, ये डिस्क्रिमिनेशन जो हम देते हैं पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स को और नर्सेस को लेकर के। सो हमारा सारे का सारा जो मैन पावर, ये जो हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, हमारी जो मैन पावर की मिनिस्ट्री है, हमारी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अमूमन ये आपस में मिले होते हैं और उनको क्या ठीक है यार, उन्होंने अरबियों ने कौन सा देखना, छोड़ो यार क्या है, बस ठीक है वेरीफिकेशन आ गया ना, उसी वेरीफिकेशन को लेकर आगे बाकियों के भी उसी पर चला दो, बाकी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पैसे बचा लो। अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ हम सऊदी अरब के जो है ना वो डेलीगेशन पर डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो इसलिए आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम वो हमारी मदद करें, और हमारी हुकूमत वहाँ पे पहुँची हुई है। अब हमारी हुकूमत वहाँ जाती है और जाके हमारी लीडरशिप वहाँ जाके कहती है कि हम कोई मांगने नहीं आए, हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट की बात करने आए हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ये हम कहते हैं उनको, लेकिन इन्वेस्टमेंट कटा दिशा करनी है। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि पाकिस्तानी किस तरीके से भाई सऊदी अरेबिया या और भी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेटर करने की सोच रहा है, हालांकि बेटर तो उनके रिलेशन हो नहीं सकते किसी भी कंट्री के साथ, मतलब ट्राई करता है भीख मांगने जाता है दूसरे देशों में, और दोस्तों भीख मांगने जा रहे हैं दूसरे देशों में और उन्हीं देश के साथ वो गद्दारी भी कर रहा है। मान लो सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया की जो डेलीगेशंस है पाकिस्तान आ रही है, $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे थे, हालांकि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पर बोल रहे थे। तो एक तरफ भाई ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की जा रही है दूसरी साइड से, और ये भाई ऐसे गलत काम कर रहे हैं जिससे भाई खुद ही बदनाम हो रहा है।
दोस्तों आपने कभी नहीं सुना होगा कि बाकी किसी भी कंट्री का, चाहे वो इंडिया हो कोई भी अदर कंट्रीज हो, उनके लोग ऐसे पकड़े जाते हैं गलत कामों में और फंस जाते हैं। भाई ये इसका एक कारण सीधा सीधा ये है कि भाई उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कुछ भी नहीं है, उनके दिमागों में भाई पता नहीं क्या भरा हुआ है, उनके दिमागों में गंद भरा हुआ है तभी वो ऐसी हरकत करते हैं। क्योंकि भाई देखो इंडिया के लोग हैं वो भी यार बाहर जाते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर लगे रहते हैं। सऊदी अरेबिया की बात करें वहाँ भी भाई अच्छी अच्छी कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में लगे हुए हैं, और पाकिस्तानी क्या करते हैं भीख मांगते हैं, डंकी मार के जाते हैं भाई, फ्रॉड करके जाते हैं। उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे यही पता लगता है कि भाई वो ऐसे ही काम करेंगे। भाई जो मदरसे से पढ़े होंगे, जो ऐसी हरकतें करेंगे, उन देश की भाई क्या इज्जत होगी। पाकिस्तान की इज्जत तो भाई मिट्टी में मिल चुकी है पूरी तरीके से। और भाई ये एक इंसिडेंट नहीं है, 92 नर्सेस का भाई कभी भिखारी पकड़े जाते हैं, कभी कोई कुछ करते पकड़ा जाता है, ये सब भाई ये जो सब सिलसिले जो है वो चलते रहते हैं, और एक ही नाम निकल के सामने आता है, पाकिस्तान। गेट आउट पाकिस्तानी ट्रेंड हर जगह चल रहा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, या कोई भी अदर कंट्री। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।